नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 13 हवा और सूरज पाठ को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप पाठ को अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें करेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे कुछ बातों के बारे में और फिर हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप बताइए आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? बिल्कुल, सभी के अलग अलग दोस्त होते हैं, सभी के अलग अलग मित्र होते हैं। उसी के आधार पर आपको अपने सबसे अच्छे मित्र का नाम बताना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप मुझे बताइए कि अगर आपका कोई दोस्त घमंडी है तो आप उसका घमंड कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल सही, उसको ये बताकर कि कोई भी किसी से कम नहीं होता, सबके अंदर एक विशेष गुण अवश्य होता है। बच्चों, आज हम हवा और सूरज पाठ को पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि कैसे हवा को सूरज के आगे झुकना पड़ा और ये बताना पड़ा कि उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले एक बार हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, क्योंकि अगर एक बार हम कठिन अर्थ जान लेंगे तो फिर हमें पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करेंगे। सूर्योदय। बच्चों, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का निकलना। सुनसान। सुनसान का मतलब होता है वीरान, निर्जन। शक्तिशाली, ताकतवर। क्रोध, गुस्सा। धारण करना, किसी को अपना लेना, किसी को अपना बना लेना। प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कोशिश। निराशाजनक, निराश होने की स्थिति। धीमी गति, धीरे चलना। राहत, आराम। घमंड, अहंकार। नम्र, विनीत। प्रणाम, नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये कुछ कठिन शब्द थे जिनके हमने अर्थ जाने हैं, क्योंकि एक बार हम अर्थ जान लेते हैं तो हमारा पाठ हमें बड़े अच्छे से समझ आता है। अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे, उसको समझेंगे कि हवा और सूरज दोनों में से कौन महान एवं शक्तिशाली है। तो प्यारे बच्चों, एक दिन एक आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा था, एक सुनसान जगह में से वो निकल रहा था, तो हवा उठकर सूरज के पास गई और बोली कि ये जो आदमी सुनसान जगह से जा रहा है, जिसने अपने शरीर पर कंबल ओढ़े हुए है, तो इसको देख रहे हो? सूरज ने कहा, हाँ मुझे दिख रहा है। तो बोले कि चलो, आज हम दोनों में से ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा महान और शक्तिशाली कैसे है। तो सूरज ने बोला कि कैसे, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हम दोनों में से कौन सबसे महान और शक्तिशाली है? तो हवा ने कहा कि इस आदमी का कंबल उतरवा कर। तो सूरज ने बड़े ही विनीत भाव से कहा कि ठीक है, पहले आप कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं अपनी कोशिश करके देखूंगा। हवा कहती है ठीक है, पहले मैं अपनी कोशिश करूंगी। तो हवा उस आदमी के नजदीक जाकर जोर से चलने लगी। आदमी ने अपना कंबल थोड़ा सा और ज्यादा लपेट लिया, फिर हवा और तेज चलने लगी। आदमी ने अपना कंबल अपने शरीर पर थोड़ा और अच्छे से लपेट लिया। तो ये देखकर हवा को बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने गुस्से में आकर और तेज हवा चला दी। आदमी जितनी तेज हवा चलता गया, अपना कंबल उतना ही कसकर अपने शरीर पर लपेटता गया। ये देखकर आंधी हवा को भयंकर गुस्सा आया, तो उसने जबरदस्त आंधी भयंकर आंधी का रूप धारण कर लिया।
ये देख कि हवा बहुत तेज से चल गई है, आंधी का रूप ले लिया है, तो आदमी ने अपने शरीर पर कंबल और कसकर लपेट लिया और अपनी गति, चलने की गति तेज बढ़ा दी। ये देखकर हवा को बड़ा बुरा लगा, लेकिन ये क्या, जब आदमी ने अपना कंबल उतारा ही नहीं तो वह थककर सूरज के पास गई और सूरज से बोली कि सूर्य देवता, मैंने तो अपनी कोशिश कर ली, लेकिन आदमी ने अपने शरीर से कंबल नहीं उतारा, अब आप अपनी कोशिश करके देखिए। तो सूर्य देवता ने कहा, ठीक है, मैं अपनी कोशिश करता हूँ। और सूर्य देवता ने अपनी जो प्रकाश था वो धीमी गति से बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले वो धीरे धीरे, फिर तेज होता चला गया। जैसे ही सूर्य की किरणें बीच धरती पर आई तो सूर्य देवता ने अपनी किरणों का प्रकाश फैलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तेज होती गई, वो आदमी अपना कंबल हल्का करता गया। और थोड़ी देर बाद जैसे ही अच्छी धूप निकली, लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी तो लोग सभी अपने कंबल ओढ़कर आराम से बैठे थे, तो सभी ने थोड़ी धूप पे निकलने से राहत की सांस ली। धूप पाकर सभी को अच्छा लगा और उस आदमी ने भी अपना कंबल धीरे धीरे ढीला करना शुरू कर दिया। और अंत में सूर्य की किरणें पूरी गति से शुरू हुई तो आदमी ने अपना पूरा कंबल उतार दिया। आदमी ने पूरा कंबल उतार दिया और आराम से चलने लगा। पूरा कंबल उतार कर उसने उसको एक तरफ रख लिया। तो ये देखकर हवा सूरज के पास गई और बोली, सूर्य देवता, आप महान हैं और शक्तिशाली हैं, कि किस तरीके से आपने इस आदमी के शरीर से इसका कंबल हटवा दिया। उसको समझ आ गया था कि दोनों में से कौन महान और शक्तिशाली है। सूर्य देवता के पास जाकर हवा बोली कि सूर्य देवता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे लगा कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ और मेरे से बढ़कर कोई भी शक्तिशाली नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने देखा कि किस तरह हवा अपने आप को ताकतवर समझती थी, ज्यादा महान समझती थी, लेकिन हुआ क्या, इससे विपरीत। क्योंकि सूर्य देवता को कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं हुआ, हवा को अपनी शक्ति पर घमंड था। उसे लगा कि मैं सूर्य देवता को हरा दूंगी, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई, सूरज की। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको भी कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने को दूसरे के बराबर ही रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमसे महान और कोई नहीं है, नहीं, हमसे महान भी लोग होते हैं, तो हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? अपनी शक्ति के सामने किसी को कमजोर नहीं मानना, मतलब आप जितने भी ताकतवर हो, कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन आपको अपनी शक्ति के सामने किसी दूसरे को कमजोर नहीं समझना, कमजोर नहीं मानना। अब बच्चों, उम्मीद है आपको पाठ तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पाठ में आए कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आपसे जानूंगी, ताकि मैं आपकी परख कर सकूं कि आपने कितना समझा। तो आप सभी तैयार हैं? जी, मुझे पता है आप सभी हमेशा तैयार रहते हैं अपने जवाब बताने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्यक्ति अपने शरीर पर क्या लपेटे जा रहा था? जो व्यक्ति था जिसके बारे में हवा और सूरज बात कर रहे थे, वह अपने शरीर पर क्या लपेटे हुए जा रहा था? सभी उत्तर देंगे ताकि आपको पता चले कि आपको पाठ कितना समझ आया है। बिल्कुल सही, आदमी कंबल लपेटे हुए जा रहा था। आदमी ने कंबल पूरा क्यों लपेट लिया? उस आदमी ने अपने शरीर पर कंबल पूरा क्यों लपेट लिया था? सभी बताएंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि हवा बहुत तेज चलने लगी थी, उसने भयंकर आंधी का रूप धारण कर लिया था, इसलिए आदमी ने अपना कंबल शरीर पर पूरा लपेट लिया था। व्यक्ति अपने अंदर गर्मी क्यों महसूस करने लगा? सभी
सभी बताएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों जब आप अपने उत्तर बताते हैं, तो सभी अपना अपना उत्तर देंगे। आदमी ने अपना कंबल इसलिए उतार दिया, उसको गर्मी इसलिए लगने लगी, उसे गर्मी इसलिए महसूस होने लगी क्योंकि सूर्य की प्रकाश चारों तरफ फैल गई थी। सूर्य देवता ने अपनी किरणें चारों तरफ फैला दी थी और जिससे उस आदमी को गर्मी का एहसास होने लगा और उसने अपना कंबल एक तरफ रख दिया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ से संबंधित वीडियो, पाठ से संबंधित कार्य पत्रिका व प्रक्षेपण पत्र आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। तब तक आप वीडियो देखिए एवं अभ्यास कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। बच्चों, वीडियो के साथ, वीडियो को देखते देखते आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, उसके उपरांत आप कविता इस पाठ का पठन करेंगे एवं शब्दार्थ को अपने पेरेंट रजिस्टर में लिखेंगे, जिससे कि आपकी जितनी भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।